चेकआउट हो चुका है, अब जा रहे हैं हम एयरपोर्ट पे। लाइटिंग मस्त है, कूल। एयरपोर्ट का पिकअप हमारा हो चुका है, अभी रात हो चुकी है, रात के 1:30 बज गए हैं। वैसे 2 बजे हमने बोला था, वो जल्दी आ गए, हम थोड़ा घूम के आ रहे थे, हम थोड़ा अर्ली आ गए होटल रिसेप्शन में, तो वहाँ पर पहुँच गया था। हमारा ड्राइवर वेट कर रहा था उसी जगह जहाँ पर आरती रेस्ट करती थी, वैसे ही सो रहा था, जल्दी आ गया था। मैं भी फ्री हूँ, हम भी जल्दी आ गए, तो हम जल्दी निकल पड़े। और अभी पेट्रोल भर रहा है यहाँ पर, पेट्रोल डीजल जो भी है, और यहाँ पर खुद नहीं भरना पड़ता, यहाँ पर बंदे होते हैं। ट्रिप का एंड हो चुका है, आपसे जल्दी मिलेंगे अगली सीरीज़ में। ये सीरीज़ में बहुत मज़ा आया, होपफुली आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। टोटली हमने खुद बुक करा था, तो आपको भी हेल्प मिल जाएगी, हमारी कोशिश यही रहती है। अगर आपको कुछ लगता है कि हम और भी बेटर कर सकते थे, अपने कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें बता सकते हैं, या इंस्टाग्राम आईडी हमारी सेम है, RTN Parth Vlogs, आप उसमें फॉलो करके हमें उसमें भी बता सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, एवरी मंडे एंड थर्सडे। अभी एयरपोर्ट पर जाना है फिर उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली से चंडीगढ़ भी जाना है अभी है। आई होप कि आप लोग भी मोटिवेट हुए होंगे कि खुद से करा करो MMT वगैरह। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी ट्रैवल एजेंसी, बट अगर आप खुद से कर सकते हो तो मज़ा आता है, मतलब अगर कपल हो तो फैमिली के साथ में भी ट्राई कर सकते हो। स्टे कनेक्टेड। हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, तो इन्होंने हमें ड्रॉप कराया है और जब भी ये फुकेट आना है तो इनके इनको जरूर कांटेक्ट करना है। टेल योर नेम, नेम और नंबर। एंड माय नेम इज कॉक, माय हिज नेम इज कॉक। ओके, दिस इज हिज नंबर, तो कांटेक्ट 71 या 71, लास्ट में 1 है, वो मिस है। यूट्यूबर यूट्यूबर इंडिया यू आर फ्रॉम यू आई नो चाला। ओके ओके, बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू। तो अगर इनसे हमारे थ्रू कांटेक्ट करोगे तो आपको इमीडिएट 30-40% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। तो एंटर करने जा रहे हैं, यहाँ पर कोई चेकिंग करने के लिए होता ही नहीं अंदर आ चुके हैं, कोई है ही नहीं, सब कुछ बंद है, शांति शांति, कोई भी नहीं है, नोबडी इज देयर। 8:10 काउंटर ई, हमारा एयर इंडिया है 8:10 की फ्लाइट, सारी अब सुबह की फ्लाइट्स हैं, हम बहुत जल्दी आ गए, रात की कोई फ्लाइट ही नहीं है, तभी खाली खाली है। एक्चुअल में हमारा पिकअप था 2 बजे, तो ये आगे जल्दी, उन्होंने बोला 1.5-2 घंटे लग सकते हैं, इसने हमें पहुँचा दिया रात को 1 घंटे में अंदर एयरपोर्ट। अब 2:15 हम एयरपोर्ट पहुँच गए, और जल्दी हमारी 8 बजे की फ्लाइट है, 6 घंटे पड़े हैं, मजाक हो गया। काउंटर्स अभी खुले नहीं है, यहाँ पर लिखा है सेल्फ सर्विस बैग मशीन है, सेल्फ सर्विस बैग ड्रॉप, आउट ऑफ ऑर्डर, कॉल मेंटेनेंस। ये बोल रहे हैं कि 6 बजे ओपन होएगा काउंटर, 6 बजे फ्लाइट तो 8 बजे की, 6:00 बोल रहा है, 2 घंटे पहले थोड़ी ओपन, इंटरनेशनल फ्लाइट की 2 घंटे पहले तो नहीं हो सकता, जल्दी होता है, 4 आवर्स पहले तो हो ही जाता है काउंटर ओपन। इंटरनेशनल फ्लाइट का 3 आवर्स बिफोर लिखा हुआ है, और एयरपोर्ट में लॉस्ट एंड फाउंड का ये इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन सेंटर के लिए आप यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एयरपोर्ट में 7-Eleven का स्टोर भी बिल्कुल टॉप है, अगर आपको रैप करवाना है बैगेज 300 baht का प्राइस है। सारा एयरपोर्ट सो रहा है, लेकिन ये अपने काम पे लगा हुआ है रॉबर्ट। काउंटर खुलेंगे 3 घंटे पहले, इन्फॉर्मेशन डेस्क पे लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन डेस्क वाले बंदे भी सो रहे हैं, सारे सो रहे हैं, और ये खड़े खड़े सो रहे हैं, बता तो कौन नहीं सो रहा, रॉबर्ट जो सफाई कर। फाइनली काउंटर खुल गए, पासपोर्ट कंट्रोल भी हो गया, बहुत फास्ट हो गया, 10-15 मिनट के अंदर 5 बजे हार्डली खुले, 5:15 में हमारा सारा कंप्लीट हो गया, हम अंदर एंटर कर चुके हैं, हम फ्री हैं 2 घंटे। हम अभी लाउंज ढूंढेंगे, ये है ड्यूटी फ्री, और वहाँ पर वैट रिफंड होता है फॉर टूरिस्ट, फ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। यहाँ पर सबवे भी है, हाँ यहीं पर दिख रहा है, फ्री चार्जर भी है, फोन चार्ज कर सकते हो, लाउंज आई थिंक सो। ये सिंबल बने हुए ना, पता करना पड़ेगा। एक चीज नोटिस करिए कि जितना भी स्टाफ है सारा लड़कियों का ही है, चाहे मोस्टली क्या सारा ही बॉयज, मुझे बहुत कम दिख रहा है।
लाउंजेस हैं टेम्परेली क्लोज्ड, प्लीज यूज थाई एयरवेज लाउंज एट द ऑपोजिट साइड. इस लाउंज में जाना है, कोरल फर्स्ट क्लास लाउंज. ये मैंने सर्च करा था कि इसमें वर्क करता है हमारा प्रायोरिटी पास. ओपनिंग आवर 6:00 to 24:00. मैंने अभी चेक करा कि 6:00 ओपन होएगा, तब तक हम थोड़ा घूम लेते हैं यहाँ पर. हमारा सारा प्रोसेस जल्दी हो गया. एक्चुअल में ये लाउंज ना 12 to 6 तक बंद रहता है. इंटरनेशनल डिपार्चर्स, यहाँ पर गेट्स मेंशन्ड है कि कौन सा गेट है. हमारी एयर इंडिया है तो उसका गेट नंबर 15 है. 15 गेट मुझे यहीं से दिख रहा है, छोटा सा एयरपोर्ट. देखो ये भी चार्ज होते हैं, क्लीनिंग वाले रोबोट्स हैं. वो नहीं कर रहे थे यूएसबी वाले ना, ये वाले वर्क करके. ये छोटे बच्चे ऐसे बच्चों के लिए खेलते हैं इसमें. सॉफ्टवेयर कितने कूल है. अभी जैसे हम जिस लाउंज की वेट कर रहे थे, तो प्रायोरिटी पास मेंबर्स के लिए हमें नीचे जाना है, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं नीचे जाना है. उन्होंने गाइड करा है तो हम वही दूसरे उस पे जा रहे हैं. यहाँ चार्जिंग के सॉकेट्स भी हैं. अब रश हो गया ना एकदम से, पहले तो बिल्कुल खाली. एयर इंडिया की बोर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, गेट नंबर 15. बिल्कुल पानी के साथ है एयरपोर्ट. इस फ्लाइट में बिजनेस क्लास में भी लेग स्पेस कम ही दिख रही है. फ्लाइट की बोर्डिंग हो गई है, बस अब इंडिया में मिलेंगे. ऑन टाइम है फ्लाइट, अब चल पड़ी. I'll be landing shortly. Should you wish, please use the lavatory now. जैसे 10:55 का कितना टाइम पहुंचने का यहाँ पे. हाँ 11:20 हो गया अप्रॉक्सीमेटली, तो 20-25 मिनट लेट है, लेकिन थोड़ी थी टाइमली. दिल्ली हम पहुंच चुके हैं, अब हमारा बैगेज कलेक्ट हमने करना है बेल्ट नंबर 11 से. और इस बार मेरा वॉशरूम का एक्सपीरियंस ठीक था, क्योंकि इंडियन वाला मैंने वो यूज़ करा, बट अदरवाइज अभी भी सफाई से कोई नहीं है. और 11:40 हो चुके हैं और दिल्ली एयरपोर्ट का बुरा हाल है अभी भी. वो जो QR कोड वगैरह सब कुछ मैंने प्रॉपर कंप्लेंट डाले थे, उसके बाद भी यही काम है. तो QR कोड हटा दो अगर सुननी नहीं है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है. ये इंटरनेशनल ट्रांसफर की लाइन लग गई है, हमने तो कहाँ जाना है. इमिग्रेशन पे डोमेस्टिक ट्रांसफर की इधर लाइन लगी है. इस बार नोटिस करा फ्लाइट में बाहर के लोग बहुत आए हैं इस बार हमारे साथ. इस फ्लाइट में बहुत सारे आए हैं, फिर से लाइन लग जाती है. मेट्रो इधर है, तो हम दिल्ली एयरपोर्ट से निकल चुके हैं. अब हमने जाना है मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से हमने जाना है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारी ट्रेन है फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़.